good morning everyone today we are going to study the civics chapter 4 the union executive in last class we study about the union executive composition and terms and the eligibility of the president vice president and prime minister in this class we are going to study and discuss about the council of Ministers. The Prime Minister exercise executive power with the aid of the Council of Ministers. The President appoints the Council of Ministers on the advice of the Prime Minister. To be eligible for appointment as a minister, a candidate must be a member of either houses of the parliament. If they are not member of the parliament at the time of appointment, they will have to obtain membership of either. Or the two houses within six months. The Council of Ministers is headed by the Prime Minister and consists of cabinet ministers, ministers of states, and deputy ministers. The cabinet ministers are the senior Minister in the independent charge of the most important ministers like defense, finance, external affairs, among others. The body formed by the cabinet minister is called the cabinet. It is the most important body in the government. The prime minister' work includes collaboration with the cabinet minister in arriving at important decision. Collectively, collective responsibility. The prime minister and the council of minister are collectively responsible to the legislature. This implies. दैट इफ दे लॉज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पासड अगेंस्ट देम इफ़ इट इज पासड विथ अ सिंपल मेजोरिटी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन चौथे चैप्टर से बीस के क्लास एट में द यूनियन एजुकेटिव इसके पहले वाले कक्षा में क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के कार्यों को उनके चुनाव को उनकी शक्तियों के बारे में देख चुके हैं आज हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में और वह काउंसिल मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख अंग भी होता है प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनते हैं प्रधानमंत्री के सुझाव के आधार पर ही अगर किसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में बनना है तो वो जो है या तो मिनिस्टर होगा या कैंडिडेट जो है कम से कम किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए अगर वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का तो जब वो अपॉइंट किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में तब उसको जो है अपनी सदस्यता बरकरार रखने के लिए अगले छः महीने के अंदर में किसी भी हाउस में वो सदस्यता या मेंबर बनना होगा चुनाव के दौरान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और वो सबसे केंद्रीय भाग भूमिका निभाते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में भी जाने जाते हैं और वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सीनियर मंत्री होते हैं जो वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्यभार को संभालते हैं और भी महत्वपूर्ण मंत्री जो है मंत्रालय जो होते हैं जैसे कि डिफेंस फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स ये सभी का देख रेख का कार्य जो है प्रधानमंत्री करते हैं और ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर के तरफ से ही करवाया जाता है जब ये बनकर तैयार होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री इसको कैबिनेट के नाम से जानते हैं जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर्स प्राइम मिनिस्टर जो है इनके साथ में मिलकर सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है वो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में कार्य करते हुए किसी निर्णायक महत्वपूर्ण डिसीजन पे पहुंच सकता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व तो निभाते हैं विधान पालिका में लेजिस्लेचर में इसका मतलब साफ साफ ये है कि जब कभी भी उनके खिलाफ़ में असहमति दिखाई जाती है लोकसभा में या फिर जब जब उनमें विश्वास अविश्वास मत पात पत्र पास हो जाता है तब प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन सभी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है